देश छोड़ने की फिराक में है शाइस्ता परवीन। बम्बाद गुड्डू मुस्लिम और साबिर भी भागना चाहते हैं विदेश। यूपी पुलिस ने जारी किया लुकआउट नोटिस। आखिरी बार कहां दिखा था गुड्डू मुस्लिम? यूपी पुलिस को इतनी मशक्कत होती कि अहमद को पकड़ने में भी नहीं करनी पड़ी थी, जितनी मशक्कत उसकी माफिया पत्नी शाइस्ता परवीन को पकड़ने में करनी पड़ रही है। उमेश पाल हत्याकांड को करीब 3 महीने होने को है, लेकिन शाइस्ता परवीन, गुड्डू मुस्लिम और साबिर का यूपी एसटीएफ को कोई सुराग नहीं मिला है। यहाँ एक तरफ देश भर की नजर कर्नाटक चुनाव पर लगी रही, तो वहीं दूसरी तरफ शाइस्ता परवीन, गुड्डू मुस्लिम और साबिर विदेश भागने की तैयारी में है, और फिलहाल पुलिस को कोई आइडिया नहीं है कि वो तीनों कहाँ छुपे बैठे हैं। तीनों के खिलाफ जारी हुआ लुकआउट नोटिस। जानकारी के मुताबिक प्रयागराज पुलिस ने प्रदेश सरकार को इसकी रिपोर्ट भेजी थी। इसके बाद तीनों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया। ये नोटिस 1 साल के लिए प्रभावी रहेगा। अगर तीनों में कोई भी आरोपी देश छोड़कर जाने की कोशिश करेगा तो जांच एजेंसियां इसकी जानकारी प्रयागराज पुलिस को देंगी। बता दें कि 19 अप्रैल को शाइस्ता की तलाश में उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में छापेमारी करी गई थी। हालांकि शाइस्ता परवीन पुलिस को चकमा देने में कामयाब रही और भाग गई थी। पुलिस को कैसे चकमा देती रही शाइस्ता परवीन? अतीक अहमद तो मारा जा चुका है, लेकिन उसका लोकल गैंग आज भी काम कर रहा है, जिसकी वजह से पुलिस अभी तक शाइस्ता परवीन को पकड़ नहीं पाई है। अतीक के लोकल गैंग ने पूरी तरह से शाइस्ता को कवर करके रखा हुआ है। पुलिस का कहना है कि कुछ गांव हैं जो खुले तौर पर अतीक को सपोर्ट करते हैं। वो लोग पुलिस के आने पर खुद आगे आने की बजाय अपने घर की औरतों को सामने खड़ा कर देते हैं। बुर्का पहनी औरतों को संभाल पाना पुलिस के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जिसका फायदा उठाकर शाइस्ता फिर से अपनी लोकेशन बदल लेती है। आखिरी बार ओडिशा में दिखा था गुड्डू मुस्लिम। गुड्डू मुस्लिम को ट्रैक कर रही एसटीएफ की टीम ने बताया कि ओडिशा के बाद से गुड्डू मुस्लिम का कोई सुराग एसटीएफ के हाथ नहीं लगा है। इसके पहले एसटीएफ को इनपुट मिला था कि गुड्डू मुस्लिम 5 मार्च को मेरठ से बस पकड़कर दिल्ली आईएसबीटी बस अड्डा पहुंचा था। दिल्ली पहुंचते ही वो अंडरग्राउंड हो गया। उसके बाद 21 मार्च को बिहार के भागलपुर में गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन मिली। एसटीएफ टीम यहां पहुंची, उसके पहले ही गुड्डू मुस्लिम यहां से भी फरार हो गया। भागलपुर के बाद गुड्डू मुस्लिम रायगंज पहुंचा, कुछ दिन यहां रुकने के बाद रायगंज से भी फरार हो गया। 2 अप्रैल से 13 अप्रैल तक गुड्डू मुस्लिम ओडिशा में रुका और उसके बाद से उसका कोई अता पता नहीं है। गुड्डू मुस्लिम को पनाह देने वाले शख्स ने बताया कि गुड्डू मुस्लिम की तबीयत सही नहीं है। क्या होता है लुकआउट नोटिस? लुकआउट नोटिस को लुकआउट सर्कुलर भी कहा जाता है। ये एक सर्कुलर होता है जिसे एजेंसी के अधिकारियों द्वारा ये सुनिश्चित करने के लिए जारी किया जाता है आपराधिक मामले में नामित शख्स देश छोड़कर भाग न सके। ये ऐसे मामलों में जारी किया जाता है जब आरोपी के विदेश भागने की आशंका हो। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।